अठों चाली बिया तीन को सही है रोहिडो लेगे रोहिडो लेगे। दोस्तों बींज बाइलर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित है और यहां से आपको 42 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी श्रीगंगानगर से बींज बाइलर आने के लिए। और जो आप ये देख रहे हैं ये कैंचियां बस स्टैंड है, यहां से थोड़ी ही दूर पर पड़ता है बींज बाइलर, इसी रोड से जाना होता है। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं चतुर्दशी के दिन, आज मेला भरता है वहाँ पर और वहाँ पर जाकर हम इतिहास पता करने की भी कोशिश करेंगे। और बींज बाइलर जो गाँव है उसमें बसें चलती हैं, टेम्पो एवं अन्य साधन भी चलते हैं। मेले के दिन तो वहाँ पर बहुत सारे साधन आपको मिल जाएंगे वहाँ जाने के लिए। कुछ बस स्टैंड तक जाएंगे और कुछ मंदिर तक जाएंगे और बस स्टैंड से भी ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर। यहाँ पर सरसों और गेहूं की फसल। दोस्तों अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेला लगा हुआ है। और यहाँ क्या है कि दो मंदिर पहले कच्चे हैं, तीन मंदिर है, खेत्रपाल जी का भी मंदिर है, कच्चे मंदिर है, उनमें श्रद्धालु पहले धोख लगा रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये कच्चे मंदिर में पहले धोख लगा रहे हैं और उसके बाद उधर एक मंदिर बना हुआ है जो पक्का, जो शायद बाद में बना होगा, वहाँ पर धोख लगाते हैं। उसके बाद ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, इसमें बाद में धोख लगाई जाती है, पहले यहाँ पर धोख लगाई जाती है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बींज बाइलर में आए हैं और हमारे साथ है जो इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं चंदूराम जी, हम इनसे आज बात करेंगे। और चंदूराम जी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, तो आप इस मंदिर के बारे में जो भी जानते हैं हमारे दर्शकों को बताएं तो बताएं। बाइला वाड़ी है भैया जी। हाँ जी, बाइला। हाँ, बाइला कहाँ है? बाइला सरदार शेर सिंह पाँच को छिपतो, सरदार शेर सिंह पाँच को आगे है, आगे ही छिपतो रह जाए बराबर सामने। अच्छा अच्छा, और बच्चों वाड़ी है भैया जी। अच्छा, भट्टू आईडी है मतलब? अठ है, भट्टू चलिए बिया तीन को सही है रोहिडो लेगे, रोहिडो लेगे। हाँ अच्छा, होगी जाकर है। अच्छा, खेत में कोई रुखा रुखा करो कुछ में बैठे रेड़ दियो। अच्छा, रेड़ जी लफन नीचे जड़ ऊपर है। अच्छा अच्छा, वो रहे हो कई साल है यो, फिर मैं गया बड़े गाँव में पूछो गाँव में क्यों गया, तो बड़े लक्कड़ फड़े की कोनी ये देख रहा हूँ। अच्छा, फिर एक बयान जी की चाट लेड़ी दुल्लाओ कुओ है। हाँ हाँ, इं पानी निकले अट्ठा है चाट मेरी हवा बड़ी अटेडी रहेगी। अभी पर घड़ो मेरे गुड़जे कि बटकड़ियों बनाए डाई है खड्डा। अच्छा, बीम रखेड़ा है। हाँ बैठे। हाँ, जो बात थोड़ी सी रखना में टेंडी होगी कि जागर जुगर होगी बयान जी की लेड़ी कर खट्टू ले आया। वाह, मैं देखिए चाट बड़ा जी भी है वह। अच्छा, बड़ा स्थिति है। हाँ रजे है। फिर एक ले भैया जी खुशाई पानी पीने खातिर गएंगे। हाँ, 14-15 गाँव कट्ठी पानी पी ले। हाँ वाह, खुशाड़ी में देखिए वह टूटेड़ी बड़ी भी चलो। अच्छा, टूटेड़ी है। टूटेड़ी पी टाइम में मन गया ना, आज हो गया 15 साल। अच्छा, 15 साल पहले देखी थी। हाँ वाह, बात है। और ए जी की दो ताइड़ी है साला सर। अच्छा, बालाजी की जोत। बालाजी की जोत है जी की साला सुनवाई है तीनों। अच्छा, साला सुनवाई है। हाँ, अरे अच्छा, स्थापना कद हुई मतलब? क्या की मंदिर की बाबा मावड़ियाँ गिरानी मंदिर? तो भाई मार समझो पहली की। अच्छा, पहली की है मतलब? खाना मार तो 70-75 साल हो गया मन तो। अच्छा अच्छा, मारों का पहली की। पहली की है। अच्छा अच्छा, भाई बस वो इतिहास जान लो। हमने देखा आपने चंद्रराम जी ने हमें बहुत कुछ बताया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेले में दोस्तों आपको बच्चों के खेलने के भी साधन बहुत मिल जाएंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये छोटी एक रेलगाड़ी है चल रही है जिसमें बच्चे बैठे हैं। और ये आप आगे देख सकते हैं ये गदेले से लगे हुए हैं, इसमें आप बच्चे उछल कूद कर सकते हैं। और यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है जो एक मेले में होता है। और उधर एक डॉलर हिंडा भी लगा हुआ है। और यहाँ पर खाने पीने की भी सामग्री मिल जाती है और यहाँ पर भंडारे भी लगे हुए हैं, अगर आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पर खा सकते हो। यहाँ असुविधा बहुत प्रकार की है और धोख लगाने में इतनी देर नहीं लगती है, आराम से धोख लगाई जा सकती है चाहे कितनी भी भीड़ हो, क्योंकि लाइन थोड़ी ही देर के लिए लगती है, बाद में आगे खुला है।
मंदिर परिसर है जो खुला है एकदम, वहाँ से आप धोख लगा सकते हो दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।